I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode, and we are going to discuss a new topic today, moral development. In moral development, we have to study Freud's theory, Piaget's theory, Kolbe's theory, and Turiel's theory, in which I have firstly started with Jean Piaget. Okay, and this lecture will be useful for various teaching examinations, and do subscribe my channel for getting my new videos and for my previous videos too. So let's start. Moral development. हमारा पेपर का नाम डेवलपमेंट ऑफ लर्नर है, इसीलिए हम लोग सारे डेवलपमेंट्स बारी बारी से कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर लिया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कर लिया है, और अब मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है. नैतिक विकास, कैसे नैतिक विकास बच्चों में होता है, नैतिकता का अर्थ क्या है, कैसे वो सही और गलत के बीच में अंतर समझते हैं, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, ये सारी बातें इन मनोवैज्ञानिकों ने सोची हैं और हमको बताई हैं थ्योरी के फॉर्म में. तो हमको एक बात ये ध्यान देनी होगी कि जो पियाजे हैं उनकी मेन थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही है, और उन्होंने उसी से जोड़ के लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, और उसी से जोड़ के उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की भी बात की है. मतलब मॉरल डेवलपमेंट कोई ब्रांड न्यू थ्योरी नहीं है उनकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संगत चल रही है. तो सबसे पहले क्या है मोरालिटी, मॉरल डेवलपमेंट की? मोरालिटी इज ए कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, सभी हम लोग जानते हैं कि नैतिकता क्या है, एक व्यवहार का तरीका है दैट गाइड्स अवर एक्शंस एंड थॉट्स, जो कि हमारे कार्यों को, हमारे विचारों को नियंत्रित करता है बेस्ड ऑन अवर ओन बैकग्राउंड. और उसका बेसिस क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, क्या हमारे जीवन की फिलोसफी है, क्या हमारे धार्मिक विश्वास हैं, ये सब कुछ तय करते हैं कि हम किस तरीके से कार्य करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे. देन मॉरल डेवलपमेंट इज ए ग्रेजुअल चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरलिटी. मतलब हमेशा से ही हम मॉरल नहीं होते हैं, है ना, बच्चे नहीं होते हैं मॉरल. क्यों? क्योंकि उनमें उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है. बच्चा कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं सोचता है, और फिर हम उन पर कभी कभी क्रोधित भी होते हैं कि अरे तुम लोग ऐसे नहीं सोचते, वैसे नहीं सोचते, बिकॉज उनकी वो थिंकिंग उस वक्त डेवलप ही नहीं होती है. देन चिल्ड्रंस एबिलिटी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज ए पार्ट ऑफ देयर मॉरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस. ये बच्चों की योग्यता जिसमें कि वो ये बता सकें, ये अंतर कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, ये उनके नैतिक विकास की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है. देन As their understanding and behavior toward others evolve over time, यानी कि समय के साथ ये जो विकसित होता है, क्या विकसित होता है, समझ और व्यवहार, दूसरों के प्रति हमको कैसे रखना है, कब हम दूसरों के पक्ष को समझने के योग्य हो जाते हैं. They apply their knowledge to take the right decisions even when it is inconvenient for them to do so. मतलब जब वो ये सीख जाते हैं, जब दूसरे का परिप्रेक्ष्य लेना सीख जाते हैं, पर्सपेक्टिव समझने लगते हैं, तब वो उस ज्ञान को अप्लाई, तब वो उसको अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को, ताकि वो सही निर्णय ले सके, बजाय इसके, मतलब इसके बावजूद कि वो निर्णय लेने में उनको कठिनाई होगी, वो निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं होगा, तब भी वो उस तरीके का निर्णय लेंगे अगर उनमें वो समझ, वो नैतिक विकास हो चुका होगा तो. फिर पियाजे साहब के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए फॉर पियाजे चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे का नैतिक विकास है वो संज्ञानात्मक विकास से बहुत मिलता जुलता है. इन अदर वर्ड्स, चिल्ड्रन आर ओनली केपेबल ऑफ मेकिंग एडवांस मॉरल जजमेंट्स वंस दे बिकम कॉग्निटिवली मेच्योर एंड सी थिंग्स फ्रॉम मोर देन वन पर्सपेक्टिव. वो कह रहे हैं कि तभी उसमें नैतिक विकास एडवांस लेवल का हो सकता है, तभी वो नैतिक निर्णय ले सकता है एडवांस लेवल के, जब वो संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व हो गया हो और चीजों को दूसरों के परिप्रेक्ष्य से, दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने के योग्य हो जाए, तभी हम दूसरे का पक्ष समझ जाएंगे ना. जब हम सिर्फ अपना पक्ष समझेंगे तो हम कभी मॉरल, कभी राइट डिसीजन नहीं ले सकते. देन पियाजे साहब ने क्या कहा, पियाजे ने अपनी ये थ्योरी 1932 में दी है. पियाजे फॉर्मुलेटेड द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड इन 1932. तो एक सवाल तो यही बन जाता है कि ये थ्योरी कब आई, 1932 में आई है. फिर हिज थ्योरी ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हिज आइडियाज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास पर जो उनके विचार हैं उसी का एक अनुप्रयोग करके उन्होंने हमें बताया है कि बच्चे का नैतिक विकास ऐसे होता है. Then, Piaget conceptualizes moral development as a constructive process whereby the interplay of action and thought builds moral concept. वो कह रहे हैं कि जो नैतिक विकास है वो एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, constructivist है, यानी कि वो construction उसका चल रहा है, और construction में कौन role play कर रहे हैं, action and thought, यानी कि हम क्या करते हैं और हम क्या सोचते हैं, यही दोनों interplay करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और हमारा एक नैतिक
संप्रत्यय का निर्माण होता है। पियाजे वॉज प्रिंसिपली इंटरेस्टेड नॉट इन वॉट चिल्ड्रेन डू, यानी कि पियाजे साहब जो थे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी रुचि इसमें नहीं थी कि बच्चा क्या कर रहा है, बट इन वॉट दे थिंक, बल्कि इसमें थी कि वो क्या सोचता है। क्यों? क्योंकि इनका पूरा जो पूरा थ्योरी है वो संज्ञान पे है, तो संज्ञान का मतलब सोचने से, तो बच्चा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या सोच के उसको कर रहा है। इन अदर वर्ड्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो किसमें रुचि थी उनको, उनको रुचि थी कि बच्चे की जो नैतिक तर्क करने की क्षमता है वो क्या है। और तो उन्होंने कौन से तीन मेन पॉइंट्स पे हमारा मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल इश्यूज को डिस्कस किया है? पियाजे वाज इंटरेस्टेड इन थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल इश्यूज, दे वर, वो कौन से थे? पहला, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, नियम की क्या समझ है बच्चों में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी की क्या समझ है उनमें, और न्याय की क्या समझ है, यानी कि रूल्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस। तो ये भी एक सवाल बन गया कि वो चार ऑप्शन आपको दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा जो है नहीं है, या कौन सा है वो इश्यू जिस पे बात करते हैं। पियाजे रूल्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जस्टिस होगी, कुछ और इथिक्स होगा, कुछ होगा कुछ होगा, तो उनको पता होना चाहिए कि रूल्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्टिस की बात की है उन्होंने। फिर दो तरीके की वो स्टेजेस बताते हैं, या दो तरीके की मॉरल थिंकिंग की बात करते हैं पियाजे साहब। वो कहते हैं कि दो तरीके के से बच्चा सोचता है, नैतिक जो चिंतन है वो दो तरीके का बालक पे चल रहा है, एक तो हेट्रोनॉमस मोरालिटी और एक ऑटोनॉमस मोरालिटी। बस यही दो पॉइंट पे उन्होंने मोरालिटी पूरी डिस्कस कर दी है। वो कह रहे हैं जो हेट्रोनॉमस मोरालिटी है उसको मॉरल रियलिज्म कहा है, और जो ऑटोनॉमस मोरालिटी है उसको मॉरल रिलेटिविज्म कहा है। हेट्रोनॉमस का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है विषम, ऑटो का मतलब होता है सम, यानी कि किस विषम का मतलब कि किसी और तीसरी पार्टी का इसमें इंक्लूजन है, और ऑटोनॉमस का मतलब हम खुद ऐसा सोचते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं। रियलिज्म का मतलब यथार्थ है, रिलेटिविज्म का मतलब ना कि दूसरे का पक्ष देखते ही हम चीजें रिलेटिव हो जाएंगी। और वो हेट्रोनॉमस मोरालिटी का टाइम पीरियड बता रहे हैं कि 5 से 9 वर्ष तक का बच्चा जब होता है तो इस तरह से सोचता है, 9 से अबव होता है तो वो ऑटोनॉमस मोरालिटी पे, 9-10 साल का बच्चा ऑटोनॉमस मोरालिटी में चला जाता है। तो हेट्रोनॉमस मोरालिटी है क्या? ये कह रहे हैं कि दिस स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी इज ऑल्सो नोन एज मॉरल रियलिज्म। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है कि हेट्रोनॉमस मोरालिटी को हम मॉरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। फिर मोरालिटी इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, हेट्रोनॉमस का मतलब कि हम विषम तरीके से चिंतन है, विषम तरीके का नैतिकता है, इसका मतलब कि किसी तीसरे का इंक्लूजन है। तीसरा कौन है यहाँ पे? कोई अथॉरिटेटिव फिगर। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो नैतिकता बच्चा शो करता है वो उस पर इम्पोज की जाती है बाहर से, इसीलिए हेट्रोनॉमस नाम है। और जब हम अंदर से सोचने लगते हैं, सही गलत का निर्णय ले सकने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो ऑटोनॉमस हो जाता है। तो मोरालिटी इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, ये बात क्लियर हो गई। देन चिल्ड्रन रिगार्ड Children regard morality as obeying other people's rules and laws which cannot be changed. बच्चा ये मानता है नैतिकता को कि हमको दूसरे लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय होते हैं, और उनको हमको मानना ही मानना है। ये बात मान के चलता है बच्चा कि चिल्ड्रन रिगार्ड मोरालिटी एज ओबेइंग अदर पीपल्स रूल्स, यानी किसी और ने वो नियम बनाए हैं जो कि बदले नहीं जा सकते, मतलब सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल, दे कैन नॉट बी चेंज। फिर they accept that all rules are made by some authority figure, है ना? वो मानते हैं कि जो सारे नियम है वो किसी अथॉरिटी ने बनाए, जैसे माता पिता ने बनाए हैं, शिक्षक ने बनाए हैं, ईश्वर प्रदत्त नियम है। एंड दैट ब्रेकिंग द रूल्स विल लीड टू इमीडिएट एंड सीवियर पनिशमेंट, और वो क्या मानता है कि अगर उसने नियम तोड़ा तो क्या होगा, सजा मिलेगी, तुरंत और कठिन सजा मिल सकती है उसको। जैसे कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं नहीं झूठ बोलोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान पाप देंगे, ऐसे इस तरीके की बातें। तो वो समझता है कि ये नियम ईश्वर ने बनाए हैं, ये भगवान ने बनाए हैं, माता पिता ने बनाए हैं, शिक्षक ने बनाए हैं, ऐसे नहीं करना है, बात नहीं करनी है क्लास में, और उनको नहीं मानने पर हमको सजा मिलेगी। इसीलिए वो मानते हैं कि सजा ना मिले, सजा से बचने के लिए। फिर ड्यूरिंग दिस स्टेज children considers rules as being absolute and unchanging or divine law. उनको लगता है कि जो नियम है वो एकदम absolute है, यानी कि हर दशा में उसको हमको उसी तरीके से मानना है, वो बदल नहीं सकता और वो ईश्वरीय है। फिर behavior is just as
बिहेवियर को कैसे जज करते हैं वो कहते हैं बैड तब होगा इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो उसका परिणाम आएगा, जो उसका प्रेक्षणीय परिणाम आएगा, यानी कि किसी के संग हमने कुछ बुरा किया, मतलब कुछ ऐसा किया जो उसके संग बुरा हो गया, तो जो उसका रिजल्ट है उससे वो जज करते हैं कि बिहेवियर कितना बैड था, रिगार्डलेस ऑन द इंटेंशंस और रीजंस फॉर दैट बिहेवियर। मतलब कि हमारा कारण क्या था उस व्यवहार को करने का उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद था कि नहीं चोट पहचाना या बुरा करना या जो भी गलत हुआ वो करना, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट आया है, जो ऑब्जर्वेबल है, जो उनको दिख रहा है कि ज्यादा नुकसान हो गया, उनको लगता है वह व्यवहार गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, या हमारा मकसद क्या था उसके पीछे। देयरफॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज इज व्यूड एज वर्स देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिलीवरेट डैमेज। वो कहते हैं कि एक्सीडेंटली हो गया, दुर्घटना से हो गया, लेकिन नुकसान अगर बड़ा है तो उसको ज्यादा गलत समझते हैं, जबकि अगर हमने जानबूझ के किसी को क्षति पहुंचाई हो, भले वो छोटी हो, उसको वो कम गलत समझते हैं। फिर मॉरल रियलिज्म इसको क्यों कह रहे हैं, चिल्ड्रन सेंड टू जज नॉट in terms of the severity of the consequences rather in terms of motives। मतलब ये कितना कठिन, कितना खतरनाक, कितना मुश्किल उसका result है, उससे ही वो judge करते हैं कि वो जो act है वो good है या bad है, उद्देश्य उसके पीछे क्या था इससे नहीं मतलब है। This is what Piaget means by moral realism। तो Piaget साहब कहते हैं कि ये है moral realism, मतलब यथार्थ में उसको as it is real, real समझ के मान लेते हैं, जबकि मॉरल रिलेटिविज्म में जब जाएंगे तो वो रिलेटिवली सोचेंगे, तब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। अच्छा एक बात और आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि हम इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संगत देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 वर्ष तक की अवस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज चल रही होगी, तो इस हिसाब से, और फिर जब 9 से 10 आप क्रॉस करते हैं तब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज होगी, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में देनी होगी। देन ऑटोनोमस मोरालिटी, वो कह रहे हैं कि द स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी इज ऑल्सो नोन एज मॉरल रिलेटिविज्म। बात हो गई मोरालिटी बेस्ड ऑन योर ओन रूल्स, वो कह रहे हैं कि जब हम अपने नियम खुद बनाते हैं नैतिकता के, तब हम ऑटोनोमस मोरालिटी में आ जाते हैं। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग एंड दैट मोरालिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। जब इस लेवल पे बच्चा आता है तो वो ये समझ जाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा सही है या हमेशा गलत है। एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग कोई चीज नहीं होती है, और नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा उद्देश्य क्या था, न कि ये कि परिणाम क्या आया। Then Piaget believed that around the age of 9 to 10, children's understanding of moral issues underwent a fundamental reorganization। जो कह रहे हैं कि जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है तो उसके जो मॉरल इश्यूज को समझने की जो उसकी समझ है वो एक बिल्कुल मूल उसमें पुनर्संगठन हो जाता है। बट नाउ दे आर बिगिनिंग टू ओवरकम द ईगो सेंट्रिज्म ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, है ना, हमने पढ़ा है ना कि जब बच्चा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस में होता है वो ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि वो खुद केवल अपने विषय में सोचता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने का अभी समझ उसमें नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा ईगो सेंट्रिज्म से दूर होने लगता है, ओवरकम कर लेता है उसको, यानी कि हमको ये समझ आ जाती है कि दूसरे को भी समझना है। मिडिल चाइल्डहुड एंड हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू सी मॉरल रूल्स other people's point of view, यानी कि यहाँ पे हमको ये योग्यता आ जाती है कि जो नैतिक नियम है उसको हमको दूसरे लोगों के नजरिए से भी देखने का नजरिया, देखने की समझ, देखने का तरीका डेवलप हो जाता है। Children begin to realize that if they behave in ways that appear to be wrong but have good intentions, they are not necessarily going to be punished। वो ये बात समझने लगते हैं कि कुछ वो अगर कर रहे हैं जो देखने में गलत लग सकता है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, उनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि उनको सजा मिले। ये समझ उनको डेवलप हो जाती है। Thus for them, a well-intentioned act that turned out badly is less blameworthy than a malicious act that did no harm। वो कहते हैं कि यहाँ पे वो ये समझ जाते हैं कि हमने जानबूझ के अगर कुछ बुरा नहीं करना चाहते थे हम, लेकिन अगर बुरा हो गया तो उसमें कम दोष पड़ेगा हमको, जबकि हम बहुत बुरा करना चाहते थे, भले दूसरे का कुछ बुरा नहीं हुआ, वो क्या गलत ज्यादा है वो समझ जाते हैं। यानी कि इंटेंशन सही होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस कम, कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा इंफेसिस नहीं करना, बल्कि ज्यादा इंफेसिस किस पे करना है, इंटेंशन पे, कि इंटेंशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये समझ उनको ऑटोनोमस मोरालिटी में आती है। तो ले देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 तरीके की मोरालिटी बताई है, हेट्रोनोमस, ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस 9 के ऊपर 9-10 तक ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस में हम समझते हैं कि नियम चेंज नहीं हो सकता, नियम अपरिवर्तनीय है, नियम दूसरों ने बनाया, हमसे बड़ों ने बनाया, और हमको मानना ही मानना है। और इंटेंशन से वो उनका कोई मतलब नहीं, उनको बस जो दिख रहा है कि गलत हुआ तो गलत हुआ है।
फिर ऑटोनोमस में हम खुद समझने लगते हैं, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने लगते हैं, ईगो सेंट्रिज्म को ओवरकम कर लेते हैं, हमारे अंदर ये समझ आ जाती है इंटेंशन सही होना चाहिए, ये सारी चीजें हमको ऑटोनोमस मोरालिटी में मिलती है। तो अगर हम क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहें तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी इसकी कम है। क्यों कम है रिलायबिलिटी? दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल सैंपल्स। आपको पता ही है कि उन्होंने खुद अपने बच्चों पर रिसर्च करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट निकाला है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, मॉरल डेवलपमेंट पे, सब पे अप्लाई किया है, तो रिलायबिलिटी तो इसकी कम है ही। This method is not standardized and therefore not replicable. Okay, then validity क्या है? Validity पियाजे की theory के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने जो सोचा उसी की testing की, जो उन्होंने नहीं सोचा उसकी testing नहीं की, जो उनके दिमाग में नहीं आया उसकी testing नहीं हुई, तो इसलिए भी इसकी validity कम है। In पियाजे's theory, what he thinks he is testing, hence it is not very much valid too. फिर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, वो कह रहे हैं कि 9 तक बच्चा हेटरोनोमस में या 9 के बाद जाता है ऑटोनोमस में। बहुत सारी रिसर्चर्स ने हमको ये करके बताया कि बहुत पहले ही बच्चा समझ लगता है, और आजकल के बच्चे तो सुपर स्मार्ट हैं, हमें तो लगता है कि मतलब वो कौन सी स्टेज, वो कोई स्टेज फॉलो नहीं कर रहे डेवलपमेंट की शायद, और वेरी स्मार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन रेट ऑफ डेवलपमेंट में भी डिस्क्रिपेंसी है। पियाजे आर्ग्यू दैट द शिफ्ट फ्रॉम मॉरल रियलिज्म टू मॉरल रिलेटिविज्म अकर्स अराउंड द एज ऑफ 9 and 10। वो कह रहे हैं 9 से 10 में ये चेंज हो रहा है हेटरोनोमस से ऑटोनोमस में, एंड दैट चिल्ड्रन यंगर देन दिस डू नॉट टेक मोटिव्स इनटू अकाउंट व्हेन जजिंग हाउ मच समवन इज टू ब्लेम। वो कह रहे हैं इससे छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि मोटिव के हिसाब से हमको ब्लेम करना है। बट अदर रिसर्चेस सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्टिव फैक्ट्स एट अ मच अर्लियर एज। दूसरे अनुसंधान हमको ये बताते हैं कि बहुत पहले ही बच्चा सब्जेक्टिविटी समझने लगता है, दूसरे का पक्ष समझने लगता है, दूसरे की बातों को समझने लगता है, 9-10 साल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक क्रिटिकल इवेल्युएशन है पियाजे की थ्योरी का, बट स्टिल इट इज दिस थ्योरी हैज अ वेरी यू कैन से सॉलिड ग्राउंड इन द फील्ड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और इसी पे बेस्ड होके हमको कोलबर्ग साहब इसी का और एक्सटेंशन करते हैं और हमको बताते हैं 3 major stages, जिसकी 2 sub-stages करके 6 stages बन जाती है मॉरल डेवलपमेंट की। और द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक थ्योरी हो गई आज। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।